का वाहन छोड़ा है और उस निमित्त यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोरात साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, शान जी, आदरणीय राजदत्त जी, कुछ कर आश्क अपनी आँखों से, कुछ कर आश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, जोरदार तालियां। मुझे जब मैं बैठा था तो दोनों चल रहा था, एक गाना इन्होंने गाया, एक गाना इन्होंने गाया, ये गाने में डॉक्टर अम्बेडकर जी, पहले ये बता दूं कि देखिए मैं ये मुझे कह रहे थे कि शब्द बोले लिए, मैंने कहा ऐसे नहीं बोल सकता, अभी कुछ याद नहीं रहता, अभी जो दिल में आएगा बोलूंगा, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख दिया। देखिए आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल बिग ऑल दी चैप्टर्स। कैसे निकालना तू मेरे उसी में कल में काम कर रहे हैं। अभी इनके बारे में यही कहूंगा कि राजेश ढाबरे जी और उनकी वाइफ भावना जी, ये जो प्रयास है, द थॉट जो दिल से निकलता है वो मालूम पड़ता है उनके ये गायकी में, वो इतना अच्छा लगता है देखने को कि दिस पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ये जो रट तो सब लगाते हैं और दिल से करने वाले बहुत कम होते हैं, ये बहुत दिल से कर रहे हैं। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, वो हमेशा होता है, जब भी मैं कोई अच्छा गाने वाला सुनता हूँ मुझे रोना आता है। मुझे गाने का इतना शौक है और मैं जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर वाले को पूछूंगा कि इतना शौक कूट कूट के भरा और इतना बेसुरा क्यों बनाया मेरे को, मैं अपनी आवाज सुन के डर जाता हूँ। बट दिस पीपल हैव सॉन्ग सो ब्यूटीफुली, सो वेल, और मेरे को तो सपना आता है, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ और किसी रेस्टोरेंट में ऐसे ही दिल आया, मैं गाना शुरू कर दिया, लड़कियां पागल हो रही हैं, बाल खींच रही हैं, इतने में जाग जाता हूँ और बीवी को अपने बता दो कि ऐसा सपना आया, वो कहती है सो जाओ, डरावने सपने नहीं देखते। तो कहने की बात ये है कि दे आर गिफ्टेड एंड दे आर यूजिंग देयर टैलेंट, देयर गिफ्ट, देयर पावर इन वेरी राइट डायरेक्शन फॉर द वेलफेयर बाय द गाइडेंस ऑफ द मैन हु गाइडेड अस सो मेनी इयर्स अगो एंड वी आर फॉलोइंग दैट पाथ एंड वी शुड बी ऑल ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। देखिए हमारे देश में बोलने की बीमारी आम है, कई बार लोग क्या है एक बार माइक पकड़ लेते हैं चिपक जाते हैं, बोलते रहते हैं, तो गाने वाले कभी नहीं गाते, अब मैं इनको बोलूंगा आप गाते रहो बस, जब तक हम बोर होके चले न जाए आप गाते रहना। अगर आप किसी गायक के हाथ माइक दे दें शुरू करें तो उनको रोकना मुश्किल होता है। एक बार हमारे
मनोवृत्ति से पहुंचा कि हमारे इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए उसका, लेकिन मतलब ये शौकियाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा गाने के लिए और मैं पहुंच गया। जब उन्होंने गाना सुनाया अपनी आवाज़ में और सुना और देखा कि ये तो यार अभी उल्टा पड़ गया कि मैं इसे गा पाऊँगा कि नहीं, ये उन्होंने जिस तरह से गाया मैंने उस दिन से हमारी जो एक दोस्ती हुई है एक उनके लिए काम के लिए जो स्क्रिप्ट में आया है कि एक ऐसे इंसान जो फुल टाइम 24 आवर जॉब दैट ही इज डूइंग अक्रॉस द कंट्री एंड येट ये एक गाने तो इतने सालों से बनते आए हैं, इतने सारे लाखों गाने बने हैं, लेकिन अगर एक गाने के पीछे कोई खास मत हो, एक गाने के पीछे एक खास इंस्पिरेशन हो तो वो गाना वाकई में गाना कहता है। और इतने सारे गाने इस तरह के हैं, चाहे रुचि पर हो, चाहे पर, और जैसे आप ये गाने सुने तो कहीं लग नहीं जाए कि वो कोई प्रोज को ज़बरदस्ती गाने में फिट किया गया है, इसमें जन सघानंद मंत्री ये सारी बातें भी हैं उसमें, दामोदर हिमाकुंड, लेकिन जब आप सुनेंगे गाने को उसकी मीटर उसकी फ्लो बिल्कुल गाने की तरह है, पोइट्री की तरह है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, रोमांटिक गाने लिखने ट्यून बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इन सोशल कॉजेज पर गाना बनाकर उसको एंटरटेनिंग भी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो जो राजेश सर ने कितने आसानी से कर दिखाया है। वेरी वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। और मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री इज लॉस इज कस्टम्स गेन, बिकॉज ही इज गेन टू बोथ, इवन टू द कस्टम्स एज वेल एज ऑफ कोर्स द कस्टम ट्रेडिशन एंड द हेरिटेज ऑफ इंडिया थ्रू दिस सॉन्ग। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वेल दिल में सिर्फ देशभक्ति ऐसा मेरा भीमराव रे, आधुनिक भारत का एक ऐसा शिल्पकार रे, दिल में सिर्फ देशभक्ति ऐसा मेरा भीमराव रे, आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। एक बार शान के लिए शानदार तालियां हो जाए। राष्ट्रपति उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन वो व्यतीत करें, यही भाव पूर्ण शब्द इस कार्यक्रम
सब खेला और अपना जीवन हो सकता है